बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कितने? 4। और नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? दो नंबर हैं, 3 एंड 96। ये दो नंबर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर 4G ले लेंगे ना, यानी कि G1, G2, G3 एंड G4। ये 4 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं जो हमने फाइंड करने हैं। इनको अब हम 3 और 96 के दरमियान लिखेंगे, ठीक है? ये तरीका है ना कि हम क्या करते हैं, 3 और 96 के जो भी गिवन नंबर होते हैं उनके दरमियान में लिख देते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स को। तो यहाँ पर ये 96 और 3 है, इनके दरमियान में हम इसको लिख देंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ इस स्टेप में आप देखें तो यही काम हमने किया है। 3 और 96 के दरमियान में हमने G1, G2, G3 और G4 को लिख दिया है। तो अब हमारे पास पहली टर्म A1 3 हो गई, लास्ट टर्म An होती है वो 96 हो गई। तादाद यहां पर कितनी है? 6। अब हम फार्मूला लिखते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म फाइंड करने के लिए। फार्मूला लिखा, अब इस फार्मूले के मुताबिक हमें R मालूम नहीं है, बाकी तमाम वैल्यूज मालूम है। तो बाकी वैल्यूज हम यहां पर पुट कर देंगे। An 96 के बराबर है तो An की जगह हमने 96 लिख दिया। A1 3 के बराबर है, A1 की जगह 3 आ गया, और N 6 है तो ये N की जगह 6 आ गया। अब हमारे पास राइट साइड पर R की पावर कितनी बच गई है? 5। और ये 3 से हमने डिवाइड कर दिया ताकि ये 96 कैंसिल हो जाए। 3 से जब हमने 96 को कैंसिल किया तो हमारे पास 32 आ गया। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पर है R की पावर 5, तो 32 को भी हम पावर वाली शक्ल में लिखेंगे। तो 32 को हम 2 की पावर 5 बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, R हमारे पास 2 के बराबर आ गया। तो अब हम ज्योमेट्रिक मीन मालूम कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने में यहाँ ही पहले जो रुकावट थी वो R था, जो हमने फाइंड कर लिया। तो अब वो रुकावट दूर हो गई है, इसका मतलब है अब हम आराम से ज्योमेट्रिक मीन मालूम कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन, जो पहला ज्योमेट्रिक मीन है G1, कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म आपको पता है कैसे हासिल होती है, फर्स्ट टर्म को R से मल्टीप्लाई करके। तो फर्स्ट टर्म है A1, तो A1 को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, A1 R। तो ये G1 हमारा क्या हो गया, A1 R हो गया। अब यहाँ पर A1 की वैल्यू और R की वैल्यू डाल दी तो हमारे पास G1 किसके बराबर आ गया, 6 के। अब G2 जाइए नेक्स्ट टर्म, तो ये A1 R जो है इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नेक्स्ट टर्म आ जाए। ये देखें A1 R से नेक्स्ट टर्म आ गई। तो यहाँ पर A1 और R की वैल्यूज पुट की हमने तो हमारे पास क्या हो गया, G2 आ गया। After simplification, we get G2। अब बेटा जी नेक्स्ट टर्म के लिए इसको हमने अब R से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 R³ आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी हमारी, G3, ठीक है। तो यहाँ पर वही A1 और R की वैल्यू डाल दें, सिंप्लीफाई किया तो G3 आ गया। अब क्योंकि हमने G4 तक जाना है ना, तो नेक्स्ट टर्म इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ गई, तो A1 R की पावर क्या हो गई, 4। तो ये G4 पर हम आ गए। तो यहाँ पर फिर हम A1 और R की वैल्यूज डालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन के बाद 48। तो ये अब हमने क्या कर लिया है, G1, G2, G3 और G4 फाइंड कर लिया है। उसने हमें यही फाइंड करने के लिए कहा था। तो अब जो है इनको तरतीब से लिख देंगे हम, रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स आर 6, 12, 24, 48। ये हमारा आंसर हो गया। तो 6.7 एक्सरसाइज
का हमने क्वेश्चन 4 कर लिया, तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है जी। वीकेंड है, सिंपल एक्सरसाइज है, इसको अच्छे तरीके से देखें और घर पर ही रहें। आजकल जो हालात हैं कोविड की वजह से काफ़ी खतरनाक हो गए हैं, घर पर रहें और अपनी पढ़ाई को प्रॉपर टाइम दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।